वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल धमाका कोचिंग। इन दिस वीडियो आई विल गेट सॉल्व ईयर ऑफ 2023 मैथ्स स्टैंडर्ड एमसीक्यू। ओके, दैट मींस फॉर मैथ्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, जो मैथ्स स्टैंडर्ड लिए हैं उनके लिए एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे 2023 ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, और बहुत ही छोटे में सॉल्यूशन इसका होगा ताकि आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। ठीक है, जितने भी एमसीक्यू होंगे तो आइए देखते हैं। तो द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 4x² + kx + 9 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स आर। मतलब रियल रूट्स रखते हैं, रियल और इक्वल रूट्स, मतलब रूट्स जो होंगे रियल नंबर्स होगा और इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac, d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका b² - 4ac। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू के है। ठीक है, ए का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू यहाँ पर 9 है। अब जब रियल और इक्वल रूट्स रखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ही घंटी बज जाना चाहिए कि डी का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल होगा। डी का वैल्यू जो होगा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो डी का वैल्यू जब 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब b² - 4ac भी 0 के इक्वल होगा। अब बी का वैल्यू देखिए कितना है, के। बी का वैल्यू कितना है, के। तो यहाँ पर आप के स्क्वायर हो जाएगा मेरा। अब 4, ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 9, तो 4 × 4 × 9। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। कितना आएगा, 144। अब देखिए के के ये सब वैल्यूज़ हैं, चार ऑप्शन है। ठीक है, चार ऑप्शन है। के का वैल्यू हम लोग कितना लें जो है कि सॉल्व करने पर 0 के इक्वल हो जाए, मतलब LHS इक्वल RHS से, RHS मतलब 0 है तो LHS भी कितना हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, तो अगर हम लोग 11 लेते हैं के का वैल्यू, प्लस माइनस दोनों है 11 में, अगर हम लोग प्लस 11 लेते तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा। ठीक है, 121 होगा, प्लस और माइनस दोनों वाला सेटिस्फाई करना चाहिए। कितना हो जाएगा, 121 होगा। कितना होगा, 121। 121 में से माइनस 144 करेंगे तो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्रॉस। सेकेंड आइए, प्लस माइनस 12 है, तो अगर हम लोग 12 रखें के का वैल्यू, प्लस 12, 12 का स्क्वायर कर दिए तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा, और माइनस 144। इसको सॉल्व करेंगे 0 = 0 आ जाएगा। अगर हम लोग माइनस भी 12 लेते हैं, माइनस 12 अगर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 144 आ जाएगा, और माइनस 144 है, सॉल्व करेंगे 0 = 0 आएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। मतलब एक पॉइंट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दिया, इसको पॉइंट बोल रहे सकते हैं हम लोग, बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हम लोग यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पहले मैं बना देता हूँ आपके लिए, एक्स वाई, और ये आपका ओरिजिन हो गया। तो ये जो पॉइंट है इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो हमसे, हमको जब भी किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो हम उस जो पॉइंट है उसका, उसमें कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होगा। ठीक है, तो हम हमेशा वाई कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा किसी भी पॉइंट का तो हम लोग हमेशा दिए हुए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। तो देखिए इसका वाई कोऑर्डिनेट्स कितना है, 7 है। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट यहीं पर है। ठीक है, ठीक यहाँ से ये परपेंडिकुलर देखेंगे ये, तो ये कितना है, 7 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इन अ फैमिली ऑफ टू चिल्ड्रेन, दो चिल्ड्रेन वाली एक फैमिली थी, जिसमें दो बच्चे थे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन गर्ल इज, तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि कम से कम उस फैमिली में एक गर्ल हो, मतलब दोनों में से एक गर्ल हो कम से कम, और अधिक से अधिक हो सकता है दोनों ही गर्ल हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटकम्स होंगे वो आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, दो चिल्ड्रेन है, पता नहीं है दोनों लड़की हैं, दोनों लड़का, एक लड़का या एक लड़की है। ठीक है, तो बताइए चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आउटकम्स कितने होंगे। तो आउटकम्स में आप लोग देख सकते हैं कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। हो सकता है
ये देखिए जी जी मतलब गर्ल, बी फॉर बॉय होगा, दोनों गर्ल हो, ठीक, दोनों हो सकता है बॉय हो, ठीक, हो सकता है एक गर्ल हो दूसरा बॉय हो, एक गर्ल हो और दूसरा बॉय हो, या हो सकता है कि एक बॉय हो और दूसरा गर्ल हो, ठीक है। तो चार यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, चार टोटल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, चार हैं। अब हमको चाहिए कम से कम एक गर्ल हो, तो कम कम से कम एक गर्ल्स में ये आउटकम्स हम लोग ले लेंगे, ये ले लेंगे, और अधिक से अधिक दोनों हो सकते हैं तो ये ले सकते हैं। तो 1 2 3 तीन आउटकम्स हमारे फेवर में है, हम तीन आउटकम्स हमारे फेवर में है। फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे लिखते हैं और ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फेवरेबल में, हमारे फेवर में जो है कि कितने आउटकम्स हैं, बस जो भी इवेंट अगर हैपन हो रहा है, कोई इवेंट हैपन हो रहा है कि कम से कम एक क्या हो गर्ल हो, वो इवेंट है, तो वो उस इवेंट में कितने पॉसिबल आउटकम्स मेरे फेवर में है, ठीक है, कितने पॉसिबल उस इवेंट में हमको, तो हमको क्या दिखेंगे, उस इवेंट में हम लोग अपने फेवर में कितने आ रहे हैं आउटकम्स उसी को देखेंगे। तो उसमें हमारे आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 3 1 2 3, तो ऊपर मेरा 3 हो गया, नीचे 4 हो गया, ऑप्शन कौन है आपका, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। हाँ, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, आप लोग ये सीख रहे होंगे कि हम लोग एग्ज़ाम में कैसे भी जो 20 क्वेश्चन आएगा CBSE के, उसको हम लोग जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व कर लें, ताकि हमारा और भी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास समय कैसे बच जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या यहाँ पर माजरा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द कंडीशंस फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस ax + 2y = 7 एंड 3x + by = 16 रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस इज। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 कौन कौन है, इन दोनों इक्वेशंस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो a1 इक्वल आपका यहाँ पर देख सकते हैं a है, ठीक है, a2 इक्वल आपका 3 है, b1 = आपका कितना है 2 है, b2 = आपका कितना है b है, c1 = आपका कितना है -7 है, c2 = कितना है -16 है आपका, ठीक है। इतना हम लोग पहले से अपना अवेयर हो गए, ये जान गए, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या, हमको चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और कहा हमको कि रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, कंडीशंस, द कंडीशंस फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस कह सकते हैं यहाँ पर भी दिया है, पेयर ऑफ इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है, रिप्रेजेंट लाइन इज, चार ऑप्शन में चारों ऑप्शन क्या होगा। तो हमको पैरेलल लाइंस के लिए हमको पता है क्या होता है, a1 / a2 = b1 / b2 और ये डज नॉट इक्वल टू c1 / c2 हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, a1 / a2, a1 की वैल्यू कितनी है आपका a है और a2 की वैल्यू कितनी है 3 है, फिर उसके बाद b1 / b2, फिर उसके बाद b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू आपकी कितनी है, कितना है आपका b है, ठीक है, हमको इक्वल में दिया ए बी इक्वल, तो हम लोग इन्हीं दोनों को लिए हैं, ये रेशियो और ये इस रेशियो के लिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ए बी और ये इसका कर दीजिए इधर 6, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, मतलब ऐसे आप लोग इससे भी सॉर्ट कर सकते हैं, अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहेगा तो आप देखते ही इसका टिक कर देंगे माइंड में कैलकुलेट करके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 11x - 4 मतलब हमको क्या फाइंड करना है, एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के जीरोज़ को फाइंड करना है, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और जीरोज कहा है तो क्वाड्रेटिक है तो दो हमको जीरोज मिलेंगे, जीरोज और आपका रूट सेम होता है, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी और डी में 1/3 कॉमन है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट देखते हैं, ऑप्शन सी और डी देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी और डी देखते हैं। तो हम सबसे पहले ऑप्शन सी को इसमें देखिए, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि जो इसमें भी हो वो इसमें भी हो, ऐसा कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, दोनों ही रूट्स में से, दोनों में से रूट्स में से कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है, तो पहले सी और डी को हम सेलेक्ट करते हैं, पहले सी वाला देखते हैं, 1/3 इसमें पुट करिए, देखिए जीरो आता है कि नहीं, एक्स के प्लेस पर, एक्स के प्लेस पर 1/3 अगर हम लोग 3 रखेंगे तो 3 × 1/3 का स्क्वायर हो गया माइनस प्लस 11 × 1/3 - 4, देखिए जीरो आता है क्या, ये हो गया 1/9, 3 × 3/9 प्लस 11/3 - 4, ये आपका 3 हो गया, ठीक है,
तो यहाँ आ गया 1/3 प्लस 11/3 आप करेंगे 12/3 आएगा, 12/3 को 3 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 4, 4-4 इक्वल 0। तो ये सेटिस्फाई मतलब 0 दे दिया, 0 दे दिया तो 1/3 इसका रूट है, लेकिन यहाँ पर 1/3 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब हम लोग -4 को चेक कर लेते हैं, देखिए क्या होता है। -4 देखते हैं, 3 × -4 का स्क्वायर प्लस 11 × -4 हो गया आपका, -4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 × 3 = 48 हो गया, 11 माइनस है, 11 × 4 = 44 और -44 हो गया, -44 -4 हो गया, -44 -4 कितना है -48 हो जाएगा, 48 - 48 ये आपका हो जाएगा 0। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आऊँगा, ठीक है, थैंक यू।